जब अचानक यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए और तुम इसे पढ़ने को विवश हो जाओ, तो समझ लेना उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम्हारी हर उस बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो, उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा मैं समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पीछे जो तुम हो मैं उसे भी जानता हूँ। जिसे तुम नहीं जानते और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। मांगता वह है जिसके पास ना हो। किसी भी चीज का अभाव हमें उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे उस रूप को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र किसी कारण जंगल में भटक जाए और वह यह मान ले कि मैं गरीब हूँ, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि जिस दिन उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, उसका भ्रम मिट जाएगा। वह किसी से क्या मांगेगा? वह तो स्वयं दूसरों को देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि पिता की संपत्ति स्वाभाविक रूप से पुत्र की होती है। इसी प्रकार तुम परमपिता परमेश्वर की संतान हो, किंतु संसार रूपी जंगल में जाकर भूल गए हो और स्वयं को निर्धन अभागा मानकर दुखी होते हो। जो परमात्मा एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाएं दुर्लभ हैं? वे तो तुम्हें इस बात से परिचित कराना चाहते हैं कि बड़ा सोचो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, तुम किसकी संतान हो, क्योंकि जिस दिन यह जान गए उस दिन कुछ भी मांगने को बाकी नहीं रहेगा। स्वाभाविक रूप से परमपिता परमेश्वर की संपत्ति तुम्हारी है, तुम उनकी योग्य संतान हो। यदि तुम्हें इस संदेश पर विश्वास है तो कहो, मैं अजन्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पूर्ण हूँ।